गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9वीं से विषय हिंदी और उप विषय हमारा हिंदी व्याकरण से है। पार्ट नंबर 1 शब्द निर्माण में समास, इसको हम पढ़ चुके हैं, चीजें समझ चुके हैं, आज हम करेंगे इसका अभ्यास कार्य। देखिए, निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। यहाँ पर समस्त पद दिए गए हैं, उसके सामने हमें उसका विग्रह करना है और फिर सामने उसके समास का भेद बताना कि कौन से समास है। देखिए, पुस्तकालय, पुस्तकों के लिए आलय, संप्रदान तत्व समास। पंचवटी, पांच भटों, भटों का अर्थ होता है वृक्ष का समाहार, द्विगु समास। राजकुमारी, राजा की कुमारी। देखिए, तत्पुरुष समास में क्या होता है, हमने ये जो काल भक्ति का लोक होता है उसे देखना होता है। यहाँ पर की ये होता है संबंध पुरुष। कृष्ण सर, कृष्ण है जो सरल कर्मधारय समास। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, ये के लिए कौन से काल विभक्ति है, संप्रदान, तो ये है संप्रदान पुरुष समास। दुष्चरित्र, दुष्कार होता है बुरा, यानी बुरा है जो चरित्र, कर्मधारय समास। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, यानी विद्या का जो घर है, संप्रदान तत्पुरुष समास। चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी, बहुव्रीहि समास। राह खर्च, राह के लिए खर्च, संप्रदान तत्पुरुष समास है ये। भूख मरा, परलोक गमन, परलोक को गमन। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन अविभाव समास है। वचनामृत, वचन रूपी अमृत, कर्मधारिये। षडानन, षड आननों का समाहार, द्विगु समास। धर्माधर्म, धर्म और अधर्म, द्वंद्व समास। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, कर्मधारी। अगर आप इसको बनाते हैं, नीला है कंठ जिसका, तो बहुव्रीहि समास होगा। लोकप्रिय, लोगों में प्रिय, अधिकरण तत्पुरुष समास। प्रधानमंत्री, प्रधान है जो मंत्री, कर्मधारी। हिमालय, हिम के लिए आलय, हिम का अर्थ होता है बर्फ, तो बर्फ का जो घर होता है उसे हिमालय बोलते हैं। संप्रदान तत्पुरुष। गजानन, गज के समान आनंद है जिसका, बहुव्री। राजदूत, राजा का दूत, संबंध तत्पुरुष। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, बहुव्री। सतसई, सौ दोहों का समाहार, द्विगु समास। घनश्याम, घन समान वर्ण वाला, बहुव्री। त्रिवेणी, तीन वेणियों का समाहार, द्विगु समास। मुरलीधर, मुरली को धारण किया है जिसने, बहुव्रीहि, क्योंकि मुरली को किसने धारण किया है, श्री कृष्ण ने। आजीवन, जीवन भर अविभाव। विद्याधन, विद्या रूपी धन, कर्मधारय समास। रातों रात, रात ही रात में, अविभाव समास। दोपहर, दो पहरों का समाहार, द्विगु समास। परमानंद, परम है जो आनंद, कर्मधारय समास। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, संप्रदान तत्पुरुष। चरण कमल, कमल कमल रूपी चरण, कर्मधारय। पंचतंत्र, पांच तंत्रों का समाहार, द्विगु। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, अधिकरण तत्पुरुष। पीताम्बर, पीले हैं जो वस्त्र, कर्मधारी। अगर आप यहाँ करते हैं, पीले हैं वस्त्र जिसके, तो बहुव्रीहि समास आएगा। चराचर, चर और अचर, द्वंद्व समास। कर्महीन, कर्म से हीन, करण तत्पुरुष समास। महावीर, महान है जो वीर, कर्मधारी। कमल नयन, कमल रूपी नयन, कर्मधारी समास। नरसिंह, नर रूपी सिंह, कर्मधारय समास।
युद्ध क्षेत्र, युद्ध के लिए क्षेत्र, तो ये आएगा संप्रदान तत्पुरुष समास। अब देखिए प्रश्न जो नौ दिया है, निम्नलिखित विग्रहों की समस्त पद बनाकर समास का नाम लिखिए। यहाँ पर विग्रह दिए हैं, हमने समस्त पद बनाना है और समास का नाम। सिंह रूपी नर, नरसिंह कर्मधारी है। दिन ही दिन में, दिनों दिन अविभाव समास। लंबी भुजाएं हैं जिसकी, दीर्घ बाहु बहुव्री। परम है जो आनंद, परमानंद कर्मधारी है। हानि और लाभ, लाभ हानि द्वंद्व समास। तीन फलों का समाहार त्रिफला द्विगु। आधा है जो पका, अधपका कर्मधारी है। पांच तंत्रों का समाहार पंचतंत्र द्विगु समास। कमल के समान नयन, कमल नयन कर्मधारी है। क्रोध रूपी अग्नि, क्रोधाग्नि कर्मधारी है। चार हैं मुख जिसके, चतुर्मुख बहुव्री। जल की धारा, जलधारा संबंध तत्पुरुष। अपना और पराया, अपना पराया द्वंद्व। लक्ष्य से भ्रष्ट पथ। तीन भुवनों का समाहार त्रिभुवन द्विगु समास। मरक जैसे नयनों वाली, मरक नयनी बहुव्री। गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु दक्षिणा संप्रदान तत्पुरुष। बात ही बात में, बातों बात अविभाव समास। ग्रह में प्रवेश, ग्रह प्रवेश अधिकरण तत्पुरुष समास। स्टूडेंट्स, ये हमारी जो एक्सरसाइज बुक की, आपको फेयर कॉपी पर, जिसके पास बुक है वो बुक में कर लें, जिसके पास बुक नहीं है अपनी फेयर कॉपी पर लिखें और लिखने के बाद इसको याद करना है।